नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर के बारे में। तो दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर भारत के ही हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये MS धोनी, विराट कोहली या फिर सचिन तेंदुलकर में से कोई होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर भारत के ही हैं और उनकी नेटवर्थ MS धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की नेटवर्थ से लगभग 20 गुना ही ज्यादा है। जी हाँ, सही सुना आपने, गुजरात का ये बल्लेबाज दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेटर है। तो बताते हैं इनके बारे में, क्या है इनका नाम, कब खेले हैं ये भारत के लिए और क्या है इनकी नेटवर्थ का राज। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी कर दीजिए प्रेस। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो क्रिकेट दुनिया की एक लोकप्रिय गेम में से एक है। भारत में क्रिकेट को एक रिलीजन की तरह माना जाता है और इसे काफी पसंद किया जाता है। सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली, युवराज सिंह, रोहित शर्मा और MS धोनी जैसे खिलाड़ी इस खेल की देन है। आज के समय में इन खिलाड़ियों के पास बेशुमार दौलत है, लेकिन इनमें से कोई भी भारत का सबसे अमीर क्रिकेटर नहीं है। ये सुनकर आपको भी आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। एक DNA के रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट खेलने वाला सबसे अमीर इंडियन समरजीत सिंह गायकवाड़ है। 25 अप्रैल 1967 को जन्मे समरजीत सिंह गायकवाड़ एक पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। फिर रणजी ट्रॉफी बड़ौदा के लिए खेले हैं। टॉप ऑर्डर का ये बल्लेबाज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने केवल 6 मैच खेले हैं। उसके बाद उन्होंने बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्षता के रूप में भी काम किया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। तो इनकी कुल संपत्ति 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और ये संपत्ति उन्हें विरासत में मिली है। राजाओं के घराने से ताल्लुक रखने वाले समरजीत सिंह गायकवाड़ को मई 2012 में अपने पिता की मृत्यु के बाद महाराजा का ताज पहनाया गया। वे जिस घर में रहते हैं वे दुनिया का सबसे बड़ा घर है। ये घर 700 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें कुल 170 कमरे हैं। अगर इस महल की लंदन के शाही महल से तुलना करें तो वो केवल 19 एकड़ का बना हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आलीशान और बड़ा होगा ये महल। इस महल को बनने में 12 साल लग गए थे। ये महल 1890 में बना था और उस समय इस महल को बनाने में कीमत लगी थी 25 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा गुजरात और वाराणसी में 17 मंदिरों के ट्रस्ट का प्रबंधन भी गायकवाड़ परिवार करता है। आम लोग जाकर भी इस महल को देख सकते हैं। महल का एक भाग में रॉयल फैमिली रहती है तो वहीं एक हिस्से को उन्होंने आम जनता के लिए खोला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।